गुडनेस मिलेगी आपको और साथ ही साथ इसको यूज करने के बाद में आपकी स्किन काफ़ी लाइट और हल्का फील करेगी इसके लिए आपको एक बॉल के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ शुगर पाउडर चीनी को ग्राइंड करके दर दरा सा पीस करके उसको ले रहे हैं कि स्किन में एज अ स्क्रबिंग काम करता है दो चम्मच मैंने ये डाल दिया है इसके बाद एक चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हनी अप्रोक्सीमेट वन टी स्पून हम इसके अंदर हनी ऐड करेंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर यूज करेंगे दो चम्मच कच्चा दूध अभी ये प्रॉपर तैयार नहीं है इसको पहले आप मिक्स कर लीजिए उसके बाद मैं बताती हूँ इसके अंदर एक चीज और मिक्स करनी होगी आपको मिक्स करने के बाद आप चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको स्टेबल बनाना है इसको तब आप इसके अंदर ऐड करें दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी भी बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है स्किन से डर्ट इम्प्यूरिटीज को खींच कर बाहर लाता है और बस आपका जो नेचुरल डी फेस वॉश है ये तैयार है इसको फ्रिज के अंदर आप चाहे तो दो से तीन दिन के लिए स्टोर करके ईजिली रख सकते हैं इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बताऊँ सुबह और शाम में आपने दो टाइम इसको यूज करना है इसको फेस पर अप्लाई करके अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद में गाइस हमें चेहरे को वॉश वॉश कर लेना है तो ये डीआईवाई नेचुरल फेस आप घर पर बना करके अपनी स्किन के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा और साबुन और फेस वॉश को मात दे सकता है ये अगर आप इसको सही तरह से रेगुलर बेसिस पर यूज करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग